फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ऑल अबाउट वुमेन। कैसे हो आप सब? आजकल प्लेटेड साड़ीज जो आपने मेरे वीडियोस पे इतना अच्छा रिस्पांस दिया, तो मैं कुछ और भी प्लेटेड साड़ी, जैसे कि मैंने बताया था प्रीवियस वीडियो में, मंगाया है। तो ये उसमें से या इस तरह की साड़ी मैंने मंगाई है, आपने थंबनेल में देख लिया होगा फ्रेंड्स। इसकी बार साड़ीज में बहुत सारे आप लोगों ने कमेंट किया था जो प्रीवियस वीडियो थी। तो सबसे पहले मैं वो प्रॉब्लम सॉल्व करती हूँ कि क्या आप इस साड़ी को मतलब वो फल लगा सकते हो या नहीं। सो आप इसमें फल नहीं लगा सकते हो। बेसिकली फल का प्रॉब्लम, ये फल हम इसीलिए लगाते हैं कि ये जो साड़ी है ना, कोई किसी भी साड़ी को फ्लिप ना हो, इसके लिए थोड़ा वेट देने के लिए लगाते हैं। तो ये साड़ी के साथ ये प्रॉब्लम है, फ्लिप होते रहती है। जब भी आप देखोगे, अगर मैं वीडियो यहाँ पे डालूंगी तो आप देखोगे कि ये भी जब पल्लू के पास का एरिया वाला, ये वाला भी फ्लिप होते रहता है। नीचे का भी थोड़ा बहुत फ्लिप होता है, थोड़ा बहुत नीचे का फ्लिप होता है, बहुत ज्यादा भी नहीं। तो अगर आप फल नहीं भी लगाते हो तो नीचे के एरिया में आपको विदाउट फल भी कोई दिक्कत नहीं होगी। सेकंड थिंग, एक मैम ने कमेंट किया था कि मोटी हूं, ये वाली साड़ी मेरे पे अच्छी लगेगी नहीं। तो ये वाली साड़ी मैम आप पे बहुत अच्छी लगेगी। आप थोड़ा, अगर जैसे कि आप देखो मैंने वी नेक पहना हुआ है, तो उस टाइप का कुछ नेक सिलाना ब्लाउज का, तो अच्छी लगेगी। एंड इसके साथ एक और मैंने पूछा था कि ब्लाउज का कपड़ा इसके साथ क्यों नहीं दे रहे हैं। तो आप मीशो पे जब देखोगे तो बहुत जगह पे ब्लाउज भी आ रहा है इसके साथ, पर मैंने जितने भी मंगाए हैं उसमें किसी के साथ भी ब्लाउज पीस नहीं आया था। एंड एक ने पूछा था कि हाउ टू ड्रैप दिस साड़ी, फ्रिल साड़ी। तो मैं बता देती हूँ कि फ्रेंड्स, जब आप ड्रैप करने का की बात है ना, तो आप नॉर्मल साड़ी को जिस तरह से, इस तरह से पकड़ के, जो मतलब जब हम इसके बनाते हैं, जैसे हम, मैं इसके इस तरह से प्लेट्स बनाऊंगी, तो उस तरह से जब हम प्लेट्स बनाते हैं तो आपको इसमें साड़ी को स्ट्रेच करके प्लेट नहीं बनाना है। आप ट्राई करना कि जितना बड़ा ले सकते हो उतना बड़ा लेके लेना, क्योंकि बाद में होते होते ना थोड़े से छोटे हो ही जाते हैं इसके प्लेट्स। तो उस तरह से बनाना, आपको स्ट्रेच नहीं करना। अब आती हूँ साड़ी के ऊपर। तो आप देखो ये साड़ी ना बहुत अच्छी आई है, एंड इसकी लेंथ भी काफी अच्छी आई है फ्रेंड्स। इस तरह की साड़ी में आप जो लेते हो उसमें जरूर एक बार चेक कर लेना, जब आप मीशो से या फिर कहीं से भी साड़ी मंगाते हो तो इसकी लेंथ अच्छी आई है या नहीं। इसके भी कलर्स जो इन्होंने इसमें डाले है ना फ्रेंड्स, इज वेरी नाइस, एंड पहनने के बाद भी ये बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रहा है। आप इसके साथ किस तरह की बैंगल्स एंड किस तरह की ज्वेलरी को पेयर अप कर सकते हो, ये मैंने इस जब इसको पहन के आपको दिखाऊंगी तो आप देख लेना। एंड ज्वेलरी की भी वीडियो मैं अपलोड कर दिया होगा या करने वाली होंगी, आप देखना चैनल को। अगर आपको अच्छा लगता है, लगता है कि हाँ आप चैनल को देख सकते हो, जुड़ सकते हो, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और इसका कुछ पॉइंट छूटा नहीं है, अगर कुछ छूट गया होगा तो आप मुझे कमेंट करके पूछ लेना। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।